सबक सिखाने का सामर्थ्य दिखा दिया है। आज आदरणीय सभापति जी, देश का एक एक नागरिक जानता है कि अपनी सुरक्षा के लिए भारत कुछ भी कर सकता है। आदरणीय सभापति जी, आर्टिकल 370, इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे, भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यहां संविधान सर पे रखकर के नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया करते। और 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूब करके कहते थे अब तो जम्मू कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है। आज आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है और लोग बढ़ चढ़ करके भारत के संविधान में भरोसा करते हुए, भारत के तिरंगे झंडे पर भरोसा करते हुए, भारत के लोकतंत्र में भरोसा करते हुए बढ़ चढ़ करके मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं, ये साफ साफ दिखाई देता है। आदरणीय सभापति जी, 140 करोड़ देशवासियों में ये विश्वास पैदा होना, ये उम्मीद, और जब विश्वास जगता है तो विकास का वो ड्राइविंग फोर्स बन जाता है। इस विश्वास ने विकास का ड्राइविंग फोर्स का काम किया है। आदरणीय सभापति जी, ये विश्वास विकसित भारत संकल्प से सिद्धि का विश्वास है। आदरणीय सभापति जी, जब आजादी का जंग चल रहा था और जो भाव देश में था, जो जोश था, उत्साह था, उमंग था, जो विश्वास था कि आजादी लेकर रहेंगे, आज देश के कोटि कोटि जनों में वो विश्वास पैदा हुआ है, जिस विश्वास के कारण आज विकसित भारत होना एक प्रकार से उसकी मजबूत नींव इस चुनाव में शिलान्यास हो चुका है। जो ललक आजादी के आंदोलन में थी, वही ललक विकसित भारत के इस सपने को साकार करने में है। आदरणीय सभापति जी, आज भारत के लक्ष्य बहुत विराट है और आज भारत को एक ऐसी स्थिति पर 10 साल में पहुंचा है कि हमें खुद से ही स्पर्धा करनी है, हमें ही अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ने हैं और नेक्स्ट लेवल पर हमें हमारी विकास की यात्रा को ले जाना है। 10 वर्षों में भारत विकास की जिस ऊंचाई पर पहुंचा है वो हमारी प्रतिस्पर्धा का एक मार्ग बन चुका है,
एक बेंचमार्क बन चुका है। पिछले 10 साल में हमने जो स्पीड पकड़ी है, अब हमारा मुकाबला उसी स्पीड को और ज्यादा स्पीड में ले जाने का है, और मेरा विश्वास है देश की इच्छा को हम उसी गति से पूरा करेंगे। आदरणीय सभापति जी, हम हर सफलता को, हर सेक्टर को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। आदरणीय सभापति जी, 10 सालों में भारत की इकोनॉमी को 10 साल के अल्पकाल में हम 10 नंबर से इकोनॉमी को 5 नंबर पे ले गए हैं। अब हम नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए जिस गति से निकले हैं, अब हम देश की इकोनॉमी को नंबर 3 पर ले जाएंगे। आदरणीय सभापति जी, 10 सालों में हमने भारत को मोबाइल फोन का बड़ा मैन्युफैक्चरर बना दिया, भारत को मोबाइल फोन का बड़ा एक्सपोर्टर बना दिया। अब यही काम इस हमारे टेन्योर में सेमीकंडक्टर और अन्य सेक्टर्स में हम करने जा रहे हैं। दुनिया के महत्वपूर्ण कामों में जो चिप्स काम में आएगी, वो चिप्स मेरे भारत की मिट्टी में तैयार हुई होगी, मेरे भारत के नौजवानों की बुद्धि का परिणाम होगा, मेरे भारत के नौजवानों के परिश्रम का परिणाम होगा, ये विश्वास हमारे बीच है। आदरणीय सभापति जी, हम आधुनिक भारत की तरफ भी जाएंगे, हम विकास की नई ऊंचाइयों को, लेकिन हमारी जड़ें जमीन से जुड़ी रहेगी, हमारे पैर देश के जन सामान्य की जिंदगी से जुड़े रहेंगे, और हम 4 करोड़ गरीबों के घर बना चुके हैं। आने वाले इस टेन्योर में तेज गति से 3 करोड़ और घर बना करके इस देश में किसी को भी घर के बिना रहना न पड़े, ये हम देखेंगे। आदरणीय सभापति जी, 10 साल में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में हमने देश की कोटि कोटि बहनों को एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में एक बहुत सफलतापूर्वक हमने आगे बढ़े हैं। अब हमने उसको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाले हैं। अब हमारे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो बहनें काम कर रही हैं, उनकी आर्थिक गतिविधि इतनी बढ़ाना चाहते हैं, उसका इतना विस्तार करना चाहते हैं कि हम बहुत कम समय में 3 करोड़ ऐसी बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लेकर के चलने वाले हैं। आदरणीय सभापति जी, मैंने पहले भी कहा है, आज मैं फिर से दोहरा हूं, हमारी तीसरी टर्म में इसका मतलब है हम 3 गुना स्पीड से काम करेंगे। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम 3 गुना शक्ति लगाएंगे। हमारी तीसरी टर्म का मतलब है हम देशवासियों को 3 गुना परिणाम ला करके देंगे। अपने सदस्यगणों, नेता प्रतिपक्ष माननीय सदस्य, मैंने सबको मौका दिया।
आदरणीय सभापति जी, आदरणीय सभापति जी, एनडीए का तीसरी बार सरकार में आना एक ऐतिहासिक घटना है। आजादी के बाद ये सौभाग्य दूसरी बार इस देश में आ